नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश बोर्डो को स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में इस प्रकार का एरर आता है, यानी कि एरर में लिखा हुआ आता है देयर हैज़ बीन ए क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट में फ्रंट एंड जिसमें विजिटर्स विजिट करके आपकी वेबसाइट का कंटेंट रीड करते हैं वो नहीं दिखाई देता है और ना ही आप उसके बैक एंड में लॉग इन कर पाते हैं। तो इस प्रकार के एरर को आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी आपने होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से होस्टिंग ले रखी है उसके फाइल मैनेजर में अपने को लॉग इन करना है। अब मेरे केस में मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग ले रखी है और यहाँ पर मैं मैनेज पर क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास होस्टिंगर की है तो आप इस प्रकार से कीजिए और अगर नहीं है तो आपको कुल मिला के फाइल मैनेजर में लॉगिन करना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू लिंक पे रिडायरेक्ट होता है और फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। अब अपना फाइल मैनेजर ओपन हो गया, उसके बाद में आपको जाना है जिस भी अपने कंपनी से होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग ले रखी है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है, फाइल मैनेजर में जाना है और उसके बाद में आपको public.html पे जाना है। जैसे ही इस पे जाते हो तो आपको wp content पे क्लिक करना है। इस पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में आप देख रहे हो ये प्लगइन का नाम लिखा हुआ रहा है, ठीक है। तो इस प्लगइन के फोल्डर को आपको रीनेम करना है। रीनेम में लिख दीजिए न्यू लिख के और रीनेम कर दीजिए, या आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और उसके बाद में आप अपने डोमेन पे जाइए और उसको रिफ्रेश कीजिए तो आप ये देख सकते हैं ये क्रिटिकल एरर था वो रिजोल्व हो गया है और उसके बाद में आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश वे में, जैसी कि जैसी आपकी वेबसाइट थी उसी प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं बिल्कुल। एक आपको करना क्या है, इसमें हमने क्या किया है अभी तक अपने इस वीडियो में क्या किया है, केवल हमने अपनी वेबसाइट के फाइल मैनेजर में लॉगिन किया, जिस जहां भी अपनी वेबसाइट होस्टेड है उसके फाइल मैनेजर में गए हैं और public.html में जाकर wp कंटेंट में जो भी प्लगइन का फोल्डर है उसका नाम चेंज किया है, ठीक है। इसके नाम चेंज करते ही आप ये देख सकते हैं अपने पास ये ओपन हो गई है और इसमें हम लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें ये प्लगइन का नाम चेंज करोगे और आपकी वेबसाइट वर्क करने लगेगी और उसके बाद में आप इसमें लॉगिन करोगे तो इंस्टॉल प्लगइन में जाना है और ये प्लगइन आपको देखने हैं। ये प्लगइन सारे के सारे आपके प्लगइन डिसेबल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे एक ही भी प्लगइन आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आप सक्सेसफुली जब भी लॉगिन हो जाओ इसमें तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कोई भी प्लगइन नहीं दिखाई देंगे, वो सारे के सारे प्लगइन डिसेबल्ड हो चुके हैं। तो उनको आपको कैसे रिकवर करना है, वापस जाना है और इसमें आपको रीनेम कर देना है, रीनेम, और इसको जो अपन ने रीनेम में नाम लिखा था उसको हटा देना है और प्लगइन ही रहने देना है और उसके बाद में आके रिफ्रेश करना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अपने पास ये सारे के सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, इनको एक एक करके आप एक्टिवेट करते जाइए। तो इस प्रकार से आप सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट कीजिए और उसके बाद में आपकी वेबसाइट प्रॉपरली वर्किंग करने लग जाएगी। आप ये देख सकते हैं विजिट वेबसाइट और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आराम से ये वेबसाइट वर्क कर रही है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। और ऐसे कोई आपका एरर आया हुआ है और आपसे वो रिजोल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलती है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना और आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो कमेंट करना और लाइक करना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।